नमस्कार शिक्षक साथियों, ये क्लास वन की शिक्षक डायरी है जो सप्ताह सत्रह का है, डे वन का। आज हम सप्ताह सत्रह में छह दिन का बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे लिखना है शिक्षक डायरी में। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप न्यू शिक्षक डायरी में भर रहे हैं तो देखिए उसमें दैनिक कार्य योजना है, तो यहाँ पर डे यहाँ डाल दीजिएगा, सप्ताह संख्या माह जो भी आप जिसमें पढ़ा रहे होंगे वो डाल देंगे। क्लास जो है, क्लास और विषय पहले वाले में अलग अलग देता था, अब इसमें एक में दिया रहेगा। प्रकरण और लर्निंग आउटकम यहाँ डालेंगे, जैसे प्रकरण लर्निंग आउटकम यहाँ पड़ा है वो सेम यहाँ पड़ेगा, और अधिगम प्रक्रिया सेम चीज है। तो जितना भी चीज आपका लिखा जा रहा है, ये बीच में बस यही नहीं दिया है, बाकी यही चीज सेम ये आपको इस वाले कॉलम में भर देना है, तो नई शिक्षक डायरी में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं मौखिक भाषा विकास SEL गतिविधि स्कूल में मेरी पसंद की वस्तुएं। संदर्शिका पेज नंबर जो है 111 पर है, यहाँ पे एलोस लिए हुए देख लीजिए। खेल गतिविधि बताओ यह क्या है, पेज नंबर 106। डिकोडिंग, एक ही मात्रा पहचान का ब्लेंडिंग और सत्पठन का कार्य कराएंगे। कार्य पुस्तिका पेज नंबर पाठ 20 पे कार्य कराना है। पठन में अभ्यास पाठ कराएंगे, एलोज यहाँ लिखे हुए हैं। रेमिडल टीचिंग आकलन के आधार पे करेंगे। गणित जो है शिक्षण उद्देश्य लिखा, ये लर्निंग आउटकम है। और 0 से 9 सत्य के संख्याओं का मात्रात्मक समझ। दक्षता शिक्षण जो है एक अंक की घटाओं की संक्रिया करनी है। गणित खेल एक पे कार्य करना है, अभ्यास कार्य एक पे कार्य करना है। अब सप्ताह सत्रह का दूसरा दिन पे हम देखते हैं, सप्ताह सत्रह दूसरा दिन है। ये भाषा मौखिक विकास में अभिव्यक्ति का अवसर देना है। पाठ पुस्तक कलरव हुआ सवेरा पाठ पर कार्य किया जाएगा। डिकोडिंग मात्रा एक ही पहचान करानी है। ब्लेंडिंग सपठन, पठन में अभ्यास पाँच पे कार्य करना है, पेज नंबर 129 पे। आकलन के आधार पर रिमेडल टीचिंग। और गणित जो है शिक्षण उद्देश्य दो पे कार्य करना है, एलओस यहाँ लिखा है। यहाँ पर आप देखिए वस्तु और चित्रों की सहायता से घटाना, अभ्यास दो पे कार्य करना है, गणित खेल दो पे कार्य करना है। अब हम आते हैं सप्ताह सत्रह का तीसरे दिन पे कार्य करना है, क्या कार्य करना है। यहाँ देखिए विषय में भाषा डाल देंगे, क्लास वन डाल देंगे। मौखिक भाषा विकास पाठ पुस्तक कलरों से पाठ 4 पे कार्य करना है। आदर्श वाचन और डिकोडिंग में एक ही मात्रा पे कार्य करना है। सिखाए गए वर्णों शब्दों की पुनरावृत्ति करनी है। पठन पठन अभ्यास 6 करना है, संदर्शिका पेज नंबर 130 पे। और आकलन के अनुसार शिक्षण रेमिडल टीचिंग करनी है। शिक्षण उद्देश्य 3 पे कार्य करेंगे। गणित में एक अंक की संख्या का चित्रों का प्रतीकों प्रवेशों संसाधनों उपयोग करते हुए घटाओं की संक्रिया सिखाया जाएगा। अभ्यास 3 पे कार्य करना है, एवं खेल गतिविधि जो गणित खेल है उस 3 पे कार्य करना है। अब चौथे दिन जो है, आइए देखते हैं भाषा में क्या अच्छा लगा। संदर्शिका पेज नंबर 112। खेल गतिविधि पहचानो और बताओ पेज नंबर 106। डिकोडिंग में आ मात्रा की पहचान, ब्लेंडिंग और वो। पठन अभ्यास 6 पेज नंबर 130। रेमिडल टीचिंग आकलन के अनुसार कार्य करेंगे। गणित खोजे और जाने, गणित खेल 1, 2, 3 का दोहराएंगे और खोजे और जाने बना करके समझाया जाएगा और बच्चों को निर्देश दिया जाएगा घर से करके आए। फिर भाषा में ये डे 5 का कार्य है, सप्ताह 17 का डे 5। भाषा में मौखिक कहानी सरल चर्चा करना। डिकोडिंग साप्ताहिक वर्णों मात्राओं की पुनरावृत्ति कराएंगे। ग्रिड संख्या 9 पेज नंबर 138 पे जो दिया हुआ है। बच्चों द्वारा चयनित पाठ का स्वतंत्र पठन, आकलन के अनुसार रिमिटल टीचिंग। अब गणित में आते हैं समेकन और आकलन, मैंने सीख लिया पेज नंबर 110 पे जो दिया है उससे आकलन करेंगे। साप्ताहिक आकलन किया जाएगा और ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों को ऐसे ही आगे टीचिंग की जाएगी। अब आते डे 6 पे। डे 6 में जो है मौखिक भाषा विकास कहानी पोस्टर मेढक का गाना पे किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया से किया जाएगा भाषा में, और समूह का निर्माण करेंगे। गणित में जो है रिमिडियल टीचिंग करेंगे, ए 50% से कम के साथ रिमिडियल टीचिंग और बी के साथ पुनरावृत्ति कराएंगे। और आगे ये डे 6 का कार्य कंप्लीट हो गया, सप्ताह 17 जो है कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।